सुपरफास्ट इन आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। हमारे संवाददाता रंजीत कुमार के मुताबिक रामगढ़वा प्रखंड के आईटीआई कॉलेज के पास पंचायत स्तरीय रामगढ़वा प्रीमियर लीग मैच का उद्घाटन थाना प्रभारी राजेश कुमार, प्रखंड प्रमुख पति विशाल गुप्ता ने फीता काट कर किया। आरपीएल के सदस्यों ने बताया कि ये टूर्नामेंट 8 दिनों तक चलेगा। मौके पर सैकड़ों की संख्या में क्रिकेट प्रशंसक मौजूद थे। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के उत्तरी मधुबनी पंचायत के राजस्व कर्मचारी उमेश प्रसाद से 10,950 रुपए लूटने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। वहीं पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर गांव के ही कुछ लोगों को आरोपित किया। थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार ने बताया कि मोतिहारी जिला के रक्सौल के सीटीसी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज के छात्रों ने वोट डाला। मतदान शांतिपूर्ण हो इसके लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। कॉलेज प्रवक्ता प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि छात्र चुनाव 6 संगठन के द्वारा लड़ा जा रहा है, जिसमें कुल 3,644 छात्र मतदाता है। बैरिया थाना क्षेत्र के भूतहा पंचायत अंतर्गत खुशी टोला गांव से गुप्त सूचना के आधार पर हुंडई कार में रखी 478 बोतल विदेशी शराब बैरिया पुलिस ने बरामद कर लिया। इस संबंध में बैरिया थाना अध्यक्ष रंजीत पासवान ने बताया कि शराब कारोबारियों के बारे में जांच पड़ताल जारी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार ने बताया कि भारतीय वाहनों की नेपाल में एंट्री को लेकर भंसार कर्मियों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध भारतीय वाहन चालकों ने नो मैंस लैंड पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भारतीय गाड़ी को नेपाल में एंट्री के नाम पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस कारण हम लोग भी नेपाली वाहनों को भारतीय सेवा में प्रवेश नहीं होने देंगे। केसरिया प्रखंड के पुरानी बाजार झड़ी ग्राम में सभी ग्रामीण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने मिलकर रंगोली बनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर 2075 साल मंगलमय हो का नारा भी लगाया। भारतीय नववर्ष की 2075 साल के आगमन के अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ था। हमारे संवाददाता कौशल मिश्र के मुताबिक भोजपुर जिले के धनगाई थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर डिहरी बाल से पुलिस ने एक 30 वर्षीय युवक का शव बरामद किया है। युवक की हत्या गला रेत कर की गई, शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हमारे संवाददाता कौशल मिश्र के मुताबिक भोजपुर जिला के पीरो में लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे 2 हथियारबंद अपराधियों को पीरो पुलिस ने धर दबोचा, जबकि 4 अन्य अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल रहे। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हमारे संवाददाता कौशल मिश्र के मुताबिक भोजपुर जिला के जगदीशपुर से पटना एसटीएफ की टीम ने बंगाल के मालदह से एक ट्रक से लूटा हुआ सामान बरामद किया है। इस दौरान एसटीएफ ने लूट कांड के सरगना आयर थाना क्षेत्र के बरनाव मछिया निवासी विनोद गिरी को भी गिरफ्तार किया है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल, विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300, ईमेल आईडी है sineaajkalindia@gmail.com। हमारे संवाददाता संतोष कुमार के मुताबिक खरीदारों को बालू को लेकर किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए जिला के अलावा प्रखंडों में सहायता केंद्र खोला गया, जहां खरीदार ड्राफ्ट जमा कर वहां से चालान प्राप्त कर घाट या बफर स्टॉक से बालू खरीद सकेंगे। स्थानीय समाहरणालय में डीएम अनिमेश कुमार पराशर ने सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधान परिषद की सदस्यता के अयोग्य घोषित करने के लिए दायर जनहित याचिका आज खारिज कर दी है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था नीतीश कुमार ने निर्वाचन आयोग को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी थी कि उनके खिलाफ हत्या का एक मामला लंबित है। चारा घोटाले के दुमका मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र सहित 12 आरोपितों को बरी कर दिया है, जबकि लालू प्रसाद यादव सहित शेष सभी को दोषी करार दिया गया। बीमारी की वजह से जगन्नाथ मिश्र व्हीलचेयर पर अदालत पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव को एम्बुलेंस से अदालत लाया गया। भाजपा आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की रैली पर भागलपुर शहर में दंगा भड़काने का आरोप लगा है। बिहार के भागलपुर हिंसा मामले में नाथनगर थाने में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राज्यसभा के चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करेगी। इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। राजभर ने कहा है कि यदि बीजेपी अध्यक्ष ने उनसे बात नहीं की तो उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी।
भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकाली गई शोभा यात्रा के बाद सांप्रदायिक रंग दिए जाने और बेटे अरिजीत शाश्वत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जमकर हंगामा बोला है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम भारत माता की जय और जय श्री राम कहना आतंकवाद नहीं है। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आतंकवादी होते जिन्होंने हे राम कहते हुए आखिरी सांस ली थी। अजय देवगन की एक्शन थ्रिलर फिल्म रेड ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले तीन दिन में 40 करोड़ से अधिक का कलेक्शन हासिल किया। इस साल की दूसरी सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड कमाई करने वाली फिल्म बनने का मुकाम भी हासिल कर लिया है। रेड को दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी सराहा है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।